हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक ज़ो। आज हम देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप के जो आइकॉन रहते हैं, डेस्कटॉप पे आइकॉन कैसे ऐड करना है आपको। और कभी कभी ऐसे होता है कि बाय मिस्टेकली आपके जो डेस्कटॉप के आइकॉन है वो हाइड हो जाते हैं, वो डेस्कटॉप पे रहते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है। वो मे बी किसी सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकते हैं, या अदरवाइज़ आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिससे आप डेस्कटॉप हाइड कर रहे हो, फिर वो अनहाइड नहीं हुए गलती से, वैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पे आइकॉन ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि बाय मिस्टेकली जब होता है सॉफ्टवेयर से तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि कैसे हाइड करते हैं। तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है, ये मेरा माउस है, कर्सर है, तो राइट क्लिक करना है आपको और पर्सनलाइज में जाना है। यहाँ पे गए, फिर आपको कहाँ पे जाना है, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन पे जाना है आपको। ये देखिए, अभी कंप्यूटर यूजेस फाइल नेटवर्क रिसाइकलिंग बिन मेरे डेस्कटॉप में है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसाइकलिंग बिन। अगर मुझे कंट्रोल पैनल यहाँ पे किधर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मुझे कंट्रोल पैनल ऐड करना है, तो कंट्रोल पैनल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया मेरा। अब इसको निकलाना है तो क्या करना है, वापस से आपको, आपको नहीं चाहिए तो पर्सनलाइज में जाना है, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन में जाना है और रिसाइकलिंग बिन कंट्रोल पैनल आपको निकालना है। तो यहाँ पे अनक्लिक करके आपको ओके दबाना है। तो यहाँ पे क्या, ये सेटिंग में आप जो मेन चीज़ें रहती है लाइक कंप्यूटर हो गया, रिसाइकलिंग बिन हो गया, ये आप आइकॉन कर सकते हो। तो मैं अप्लाई करूँ तो ये चला गया, देखिए यहाँ से चला गया, ओके। लेकिन और आपको कुछ अलग डेस्कटॉप यहाँ पे डालने हैं, आइकॉन डालने हैं जो अपने सॉफ्टवेयर के हो, जो भी हो, तो आप अपने स्टार्ट बटन में जाइए, ऑल फाइल में जाइए और आपको जो आइकॉन यहाँ पे लेना है, समझो मुझे फायरफॉक्स है मेरे पास, ये एडोब रीडर का मुझे ये सॉफ्टवेयर है, मुझे डेस्कटॉप पे लेना है उसका, तो क्लिक करना है इस पर, क्लिक छोड़ना मत, क्लिक करके रखना है और इसको ऐसे यहाँ पे ड्रैग करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है आपको, उसको क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, इसको मैं डिलीट करूँगा तो मेरा सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट मार दिया तो ये आइकॉन चला गया, सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं होगा, ओके। और अभी हम सेकेंड देखते हैं कि कुछ कुछ कारणों की वजह से आपके आइकॉन है डेस्कटॉप के वो गायब हो जाते हैं, वो यहाँ वहीं पे रहते हैं लेकिन वो हाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम से हो सकता है या किसी और कारण से हो सकता है। तो इसको कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है और शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करना है। अगर मैं अनक्लिक करता तो मेरा आइकॉन गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गए। अभी वापस से गया, व्यू गया, शो आइकॉन में गया, गायब हो जाएंगे। इसमें आपको साइज़ भी दिखा दूँ कैसे, शॉर्ट बाय व्यू में आप साइज़ लार्ज स्मॉल, मैं स्मॉल करूँगा तो ये स्मॉल हो जाएगी, देखिए स्मॉल हो गए। वापस से मीडियम करूँगा तो मीडियम हो जाएंगे, लार्ज करूँगा तो बहुत ही लार्ज हो जाएंगे। तो मुझको क्या चाहिए, मीडियम, ठीक है, स्मॉल। इसको शॉर्ट बाय नेम भी कर सकते हो, एक हो गया अपने आप से शॉर्ट बाय, आप डेट मॉडिफाई भी कर सकते तो ऐसे आएंगे, ठीक है, शॉर्ट बाय साइज ये कर सकते हो, शॉर्ट बाय मतलब अरेंज करते हो, नेम से भी कर सकते हो, नेम ये बराबर है, नेम से करना जो भी है, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स है और जो भी क्वेरी है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। दोस्तों मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहूँगा जिससे आपको जो टेक का नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छा अच्छा नॉलेज गेन करोगे। अगर ये आपको वीडियो लाइक हो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।